देखिए यहाँ पे मैं सुबह सुबह बाहर बैठती हूँ ना, तो मैंने देखिए अपनी क्यारी के वीडियो बनाई है, जैसे कि अपनी जो किचन गार्डन है बाहर, तो उसकी मैंने वीडियो थोड़ी सी बनाई है। देखिए देखिए तुलसी माता की पौधे कितने बड़े हो गए हैं, दोनों साइड लगा हुआ है, फर्श के किनारे किनारे दोनों तरफ अपने से लग जाते हैं, यहाँ पे बहुत जमते हैं तुलसी माता। और देखिए ये हमारा लेमन ग्रास है, जो कि चाय में डाल के पीना होता है तो डाल लेती हूँ कभी कभी। ये देखिए फूल है गुड़हल का, इसी को मैं भगवान पे चढ़ाती हूँ, पूजा करती हूँ। और ये देखिए इस तरीके का आगे का हमारा क्यारी है, बीच में आने जाने का रास्ता गेट से, मेन गेट से, जो कि सड़क से शुरू होती है, और उसके बाद दोनों तरफ क्यारी है। देखिए साग सब्जी भी बोया हुआ है, मम्मी लोबिया तोड़ रही हैं, लोबिया बहुत लग रहा है क्यारी में। और आप सब बताइएगा आप सबको मेरे वीडियो कैसा लगता है। और देखिए उसके बाद हमारा सभी काम निपट गया है, सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन होता है सभी को निपटा लिया मैंने, और अब लंच की तैयारी करने मैं आ गई हूँ किचन में नहा धोवा करके। तो देखिए मेरी सब्जी बन गई है लौकी की, और मैं आज बनाऊंगी कढ़ी, कढ़ी चावल। तो देखिए यहाँ पे मैं बेसन तैयार कर रही हूँ, घोल रही हूँ पकौड़ी के लिए। सबसे पहले मैं पकौड़ी निकाल लूँगी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, लेकिन पकौड़ी बोलते हैं ज़रूरी डालना चाहिए, सिर्फ कढ़ी नहीं बनाना चाहिए, तो इसीलिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा पकौड़ी डाल लूँगी। या देखिए यहाँ पे मेरी दही थी, तो दही को मैं मथनी से मथ रही हूँ, और उसी में बेसन में डाल के उसको भी अच्छे से घोल लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने तड़का के लिए, कढ़ी के तड़का के लिए मैंने सारा तैयार कर रखा है, जैसे कि अदरक हो गया, लहसुन लहसुन प्याज अदरक मेथी, और जो मिर्च लाल मिर्च थोड़ी हरी मिर्च, और बस हींग इतना डालती हूँ मैं तड़के में, जो कि कढ़ी के तड़के लगाती हूँ। तो देखिए मैं पकौड़ी पहले निकाल ले रही हूँ, दो घानी निकालूँगी, ज़्यादा नहीं, और क्योंकि ज़्यादा पकौड़ी कोई खाना पसंद नहीं करते हैं, दो दो तीन तीन से ज़्यादा कोई खाता भी नहीं मेरे घर, लेकिन फिर भी मैं निकालती हूँ जब भी कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि कहते हैं खाली कढ़ी नहीं बनाना चाहिए से, तो इसी वजह से पकौड़ी ज़रूर मैं डालती हूँ, 8-10 ही डालती हूँ पर डालती हूँ ज़रूर। तो देखिए ये हमारा कढ़ी की तैयार हो गई, अब बेसन मतलब घुल गया कढ़ी के लिए, अब बस इधर चावल चढ़ा रखी हूँ, चावल भी हमारी सब्जी बन गई थी, तो कढ़ाई मैंने फिर धो करके उसी में मैं कढ़ी छमक लूँगी, कढ़ाई में, आज कुकर में नहीं बनाऊँगी, कढ़ाई में ही छमक लूँगी पकौड़ी निकालने के बाद। और सब्जी मेरी लौकी के पहली बन चुकी है, इधर चावल के पानी हमने रख दिया है, इधर चावल भी बन जाएंगे हमारे। तो देखिए सबसे पहले मैं लाल मिर्च डाल दिया, और ये देखिए जीरा मेथी और हींग और प्याज अदरक लहसुन जो भी था मैंने सबको डाल दिया है, इसको थोड़ा सा ब्राउन करके उसके बाद मैंने घोल को इसमें डाल देना है, डाल दूँगी। देखिए जो कढ़ी का घोल है इसको मैंने डाल दिया है, और आज मुझे कहीं जाना भी है तो इसलिए मैं खाना पूरा बना लूँगी, उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी, और पता भी चल जाएगा आपको मेरे को कहाँ जाना है। मैं शुभम के साथ जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी, 3 बजे जाना है, पूरा खाना उना मतलब अच्छे से खा पी के तैयार होके, और सामान वामान कुछ पैक करना है तो सब पैक कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं निकलूँगी 3 बजे से, 3-3:30 बजे के बीच में ही निकलूँगी। तो देखिए ये हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई है, और इधर चावल भी हमारा बन गया है, और सब्जी भी बन गया है, और रोटी सेंकना रह गया है। देखिए चावल भी बन गया, हमने मार निकाल लिया है, चावल बन गया था तब। तो देखिए मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ, 3 बज गया है, शुभम भी तैयार हो गया है, नेल काट रहा है, नेल कटर से नेल काटने लग गया जाने के टाइम पे, तो मैं इसको बोल रही हूँ कि अब जाने का टाइम हुआ तो तुम नाखून काटने बैठ गए हो तो चलो, क्योंकि मैं आज जा रही हूँ देवीसा के कॉलेज में, वो कुछ खाने पीने का सामान मांगी थी तो मैं उसके लिए बना करके लेके जा रही हूँ, तो थोड़ा सा मैंने सब्जी बना ली थी, और वो सब्ज़ी मैंने बाद में बनाई थी, 3 बजे या 2:30 बजे के करीब बनाई थी, तो मैं आपको नहीं दिखा पाई। और देखिए ये थैले में मैंने सामान सब रख लिया है, जैसे कि चूड़ा भून के रखा है, और मैंने नमकीन बिस्किट जो भी होता है ये सब सामान रख ली हूँ थैले में, अब फल फूल थोड़ा ले जाना है, पीठ है जाए
बाजार वहाँ से मैं सेब खरीदूंगी, और अनार फ्रिज में रखा हुआ था वो भी अभी ले लूँगी। अनार भी याद आ गया था अचानक, तो मैंने कहा ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं दो अनार ले लेती हूँ, बड़े बड़े अनार हैं, तो चलिए अभी ले कर आती हूँ अंदर से। जब तक शुभम अभी जूता में अपना सफाई कर रहा, जूते को अपनी सफाई कर रहा, पहन के जाएगा, शुभम के साथ ही आज जाऊँगी। तो देखिए अपना जूता को साफ़ कर रहा है, जब कहीं इसको जाना होता है तभी जूता साफ़ करता है और आने के बाद फिर रख देता है। तो देखिए तैयार हो गया, ये हमारा स्टोर रूम है, इसी में जूता चप्पल का रेक है, स्कूटी है, और जैसे कि गेहूँ वगैरह डब्बे में रखे रहते हैं, ड्रम में गेहूँ है और चावल भी हैं इसी में रखा रहता है। तो देखिए मैं तैयार होके यहाँ पे खड़ी हूँ और शुभम अभी तैयार हो रहा है। अभी मुझे याद आया था कि अनार ले लूँ फ्रिज में से, तो देखिए दो अनार लेके मैं आ गई हूँ, थैले में रख ली हूँ। उसके खाने पीने का सामान मांग रही थी कि अभी नहीं आना है घर, अभी उसके पेपर चलेंगे, अभी 25 तारीख से चलेंगे, 25-26 से, उसके बाद ही नवरात्रों में ही अब आएगी, तो बस वही दे के आना है मुझे। और मुझे 1.25 घंटा लग जाएगा जाने में, आज शुभम थोड़ा गाड़ी तेज़ चलाता है इसलिए ये जल्दी पहुंचाता है, मतलब आधा घंटा लगाएगा। इसके पापा के साथ जाती हूँ, शुभम के पापा के साथ, तो ये पूरा 1 घंटा लगा देते हैं, धीरे गाड़ी चलाते हैं ना, तो 1 घंटा लग जाता है। देखिए ये हमारे गेट के बाहर भी फूल लगे हुए हैं, तो ये गाय नहीं खाती है, सदाबहार का फूल है, तो मैं सोच रही हूँ कि अगले बार खूब लगा दूँ, ढेर सारा फूल लगाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि गाय नहीं खाती है, शायद कड़ुआ लगता है उसको पत्ते, तो इसलिए नहीं खाती है। और देखिए मैं बैठ गई हूँ शुभम के साथ, और देखिए फिर उसके बाद मैं सीधे कॉलेज में ही मिली हूँ आपसे, क्योंकि कॉलेज का ही सीधे वीडियो बनाई हूँ। देखिए मैं उसके गेट के बाहर मैं खड़ी हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निवेदिता छात्रावास। तो देखिए यहीं पे हॉस्टल में ऊपर देखिए 4 मंजिला होटल है, तो वहीं, सॉरी होटल नहीं हॉस्टल है, तो देखिए 4 मंजिला जो हॉस्टल है, तो वहीं पे सारी लड़कियाँ अलग अलग रहती हैं, जैसे कि एमए का अलग है, बीएड का अलग है, बीए का अलग, ऐसे ऐसे तो रहती हैं। तो ये देखिए शायद एमए वाले के ही हैं यहाँ पे, अब इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता है क्योंकि अंदर जाने नहीं देते, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद देवी सा अपनी रखे आई सामान ऊपर, ये 3 मंजिला पे है देवीसा, तो वहाँ रख करके आई है। देखिए देवीसा के कैंटीन है, वहाँ पे हम आ गए हैं नाश्ता पानी करने, तो आज कैंटीन में छोले भटूरे बन रहे थे, तो वही एक मैंने ली है, ये देखिए 20 रुपये का छोले भटूरे है, पहले कूपन कटवाने पड़ते हैं उसके बाद फिर ले लो काउंटर से जाके। तो देखिए सब लेडीज आती हैं यहाँ पे खाती हैं, देखिए सब बच्चे खा रहे हैं, जो हॉस्टल में जो लड़के लड़कियाँ जो हैं, तो लड़का के हॉस्टल अलग है यहाँ पे, तो लेकिन देखिए कैंटीन में सब आते हैं खाते हैं, जो भी मन करे, चाय वगैरह सब कुछ मिलता है, चाय समोसे मतलब सब कुछ है। वो भी था सांभर बड़ा भी था, लेकिन वो नहीं, सुबह बना था तो मैं नहीं ली, छोले भटूरे गरम गरम बन रहे थे तो वही हमने लिया। और देखिए वहाँ से खाने के बाद हम फिर यहाँ पे आ गए हैं, महाकाल है यहाँ पे देवीसा के कॉलेज में, महाकाल का मंदिर है बहुत बड़ा, तो चलिए उसका भी दर्शन आप सब कर लीजिए, महाकाल हैं देवों में देव महाकाल, तो चलिए आप सब देखिए दर्शन कर लीजिए, देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, जो ये बाढ़ जो है उसमें गणेश भगवान बनाए हुए हैं देखिए, और यहाँ से सीढ़ी से चढ़ के फिर नीचे सीढ़ी से उतर के फिर महाकाल के मंदिर आता है, और बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, गोलाई में पूरा चारों तरफ गोलाई में सीढ़ियाँ बनी हुई है बैठने के लिए, तो जैसे महाकाल के पूजा होता है महाशिवरात्रि पे, तो पूरा ही भरा हुआ रहता है यहाँ पे, तो सब लोग बैठते हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, आकर सब पढ़ाई भी करते हैं बैठ करके, जो भी हैं लड़के लड़कियाँ सब बैठ के पढ़ाई करते हैं अपना, घूमते फिरते हैं जब उनको टाइम मिलता है। तो देखिए आइए आप सब भी दर्शन कर लीजिए महाकाल से, और देखिए इधर नल लगा हुआ है, वहाँ पे हम और शुभम हाथ को धो लेते हैं पहले, तो ये देखिए यहाँ पे नल है, तो चलिए देखिए इस तरीके से बहुत अच्छा यहाँ पे बना हुआ है, घूमने लायक बहुत अच्छा जगह है, आप सब भी आके घूम सकते हैं यहाँ पे, जो कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से ही कॉलेज है और शांति कुंज का है, लेकिन शांति कुंज से 10 मिनट और आगे रास्ता है कॉलेज का, गाड़ी से आपको 10 मिनट लगेगा आगे, देहरादून के पास में ही पड़ता है वैसे। तो देखिए यहाँ पे सब पूजा करने आते हैं यहाँ पे, तो देखिए महाकाल से आप भी दर्शन कर लीजिए, देखिए महाकाल है यहाँ पे, नंदी बैठे हुए हैं गेट पे ही, नंदी हैं, और अंदर जाके वो महाकाल भगवान का
शिवलिंग है और ये घूमने लायक जगह बहुत अच्छा है। अगर आप सब कभी भी आए यहाँ पे हरिद्वार तो यहाँ पे शांति कुंज में घूमने ज़रूर जाइएगा। और ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे भी घूमने का बहुत अच्छा जगह है। आप सब घूमेंगे तो मन खुश हो जाएगा आप सभी का, क्योंकि मैं भी जाती हूँ तो मैं तो 7 साल से जब से देवीसा पढ़ रही वहीं तो आना जाना लगा रहता है। तो हम तो बहुत बार घूम रखे हैं, अभी मम्मी और भाभी लोग सब आई थी तो उनको भी यहाँ पे सब जगह घुमाए थे हमने। तो यहाँ घूमने का जगह बहुत ही अच्छा है, मन खुश हो जाता है आकर के। तो देखिए महाकाल भगवान यहाँ पे हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब पूरा मंदिर खुला है चारों तरफ से, बस थोड़ा थोड़ा बाउंड्री है, बाकी पर्दे लगे हुए हैं। तो देखिए दिया खंड ज्योत यहाँ पे जलते रहता है। यहाँ गुरुदेव जी का है, गायत्री माता गुरुदेव, जो कि राम शर्मा आचार्य गुरुदेव जी हैं। तो और ये देखिए ये देखिए शुभम, अब हम सब पूजा करके मतलब भगवान को दर्शन करके बाहर आ गए हैं। तो बाहर का व्यू इस तरीके से है। तो आप देखिए बहुत साफ़ सुथरा यहाँ पे जगह है। देखिए ये देखिए आपको दिखाएंगे, देखिए गुरु जी का फोटो बना हुआ है यहाँ। देखिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, यही देवीसा के कॉलेज है। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।